जी स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला न्यूमेरिकल है वो है 4.9। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 4.9 न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है। डाइवर वेइंग 750 न्यूटन डाइव्स फ्रॉम अ बोर्ड 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ पूल ऑफ वाटर, यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। जी स्टूडेंट्स, हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक डाइवर जो है उसका जो वेट जो है वो 750 उसका न्यूटन वेट है, और एक बोर्ड जो है 10 मीटर हाई जो बोर्ड जो है अबव द पूल ऑफ द वाटर सरफेस जो है वो है उसकी हाइट जो है बोर्ड की जिसके ऊपर वो खड़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को मद्देनजर रखते हुए जो है हमने क्या फाइंड करना है, उसकी स्पीड मालूम करनी है अबव द 5 मीटर। यानी कि मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूँ तो मेरे पास ये सरफेस ऑफ वाटर है और ये है वो बोर्ड है जहां पे जो है डाइवर जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, वो जाने लगा है। इस टोटल हाइट जो है मेरे पास वो 10 मीटर है ये वाली, जबकि 5 मीटर के ऊपर जो है मैंने इसकी क्या करनी है, स्पीड मालूम करनी है 5 मीटर के ऊपर। आगे यहां से ये जंप करेगा, नीचे को डाइव करेगा पानी सरफेस ऑफ द वाटर के अंदर। 10 मीटर हाइट जो है वो बोर्ड है, 5 मीटर हाइट के ऊपर हमने क्या करना है, उसकी जो डाइविंग स्पीड जो है वो हमने मालूम करनी है। सॉल्यूशन के अंदर हमने लिखना है, गिवन दैट वेट ऑफ डाइवर W इक्वल mg इक्वल 750 न्यूटन, हाइट ऑफ पॉइंट हमारे पास अबव द बोर्ड है वो कितनी है, 10 मीटर है, जबकि हाइट ऑफ द पॉइंट अबव द वाटर सरफेस जो है वो है 5 मीटर, जो कि हमने मालूम करनी है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। हमने अब क्या करना है, फाइंड आउट करनी है द वाटर सरफेस स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ द वाटर सरफेस के ऊपर जो है 5 मीटर अबव जो है वो हमने मालूम करनी है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हाइट के ऊपर है इसकी जो जो एनर्जी होगी वो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब ये नीचे को आएगा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। फॉर्मूला हमने यूज करना है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एम जी एच होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर है। यहाँ से एम से एम हमने क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, जबकि यहाँ पे 2 डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gh इक्वल वी स्क्वायर हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेना है, वी स्क्वायर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाना, 2gh आ जाना है। एच हमारे पास क्या होगा, दोनों हाइट्स को हम माइनस करेंगे, एच हमारे पास आ जाएगा h1 माइनस h2, यानी 10 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल 5 मीटर आ जाएगा। ये वैल्यूज जो है हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, 2g की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हाइट हमारे पास 5 मीटर है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं 98 आता है, 98 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 9.89 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ जाएगी, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9.9 मीटर पर सेकंड जो है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी आंसर लिखा गया। इस तरह जो है हमने इस डाइवर की जो वेलोसिटी है अबव द 5 मीटर ऑफ द सरफेस वाटर जो है हम मालूम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का, वर्क है एनर्जी का, उसकी स्टेटमेंट जो है आपकी बुक के ऊपर कुछ इस तरह है। A child starts from a rest at the top of a slide of height 4 meter. Number A, what is the speed at the bottom if the slide is frictionless? Number B, if reaches the bottom with the speed of 6 meter per second, what percentage of his total energy at the top of the slide is lost as a result of friction? जी स्टूडेंट्स, हमसे ये कहा गया है और ये बताया गया है कि एक बच्चा जो है एक स्लाइड के टॉप से स्टार्ट करता है जिसकी हाइट जो है 4 मीटर है, उसकी स्पीड जो है हमने मालूम करनी है अगर हम उस स्लाइड को कहते हैं वो फ्रिक्शन लेस है। नंबर टू जो बी जो है, अगर वो बच्चा जो है बॉटम पे पहुंचता है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब हमने इसकी फ्रिक्शन कंसिडर करनी है इसमें, तो उसमें यह देखना कि कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी जो है एट द टॉप ऑफ द स्लाइड जो है बाई रीचिंग टू द बॉटम ऑफ द स्लाइड जो है ड्यू टू द फ्रिक्शन जो है कितने परसेंटेज एनर्जी जो है लॉस्ट हुआ है। तो हम पहले निकालते हैं इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी, इसे वी वन भी कह सकते हैं हम, वी आई जो है इसकी वो जीरो है, जबकि हाइट अगर हम देखें, हाइट हमारे पास गिवन दैट है 4 मीटर। पहला जो पॉइंट हमने निकालना है वो ए है, स्पीड ऑफ चाइल्ड एट बॉटम, जिसे हम वी वन कह देते हैं, इसे वी वन कह दें, ये वी वन है एक्चुअली, ये हमारे पास स्पीड है जो हमने निकालनी है। तो हम लेंगे फार्मूला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल गेन इन काइनेटिक एनर्जी,
तो एम जी एच इक्वल 1/2 एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाना, इसे रीअरेंज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल 2gh और v हमारे पास आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2gh जो है इसका आंसर आ जाएगा। v का इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2, वैसे कॉन्स्टेंट है g 9.8 और h हमारे पास 4 है, तो हमारे पास वेलोसिटी v1 आ जाती है 8.8 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट हमने क्या करना, ये v1 आ गई हमारे पास वेलोसिटी, स्पीड अब बी में उसने दिया है, अगर वो अगर हम फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, ये वेलोसिटी वो है जो विदाउट फ्रिक्शन है, अब फ्रिक्शन कंसीडर करते हुए वो बच्चा जो है बॉटम में पहुंचता है, v2 वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकंड के साथ, हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी, e परसेंटेज मालूम करनी है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये आपकी जो है कुछ बाउंड्रिंग इस तरह है, इसे मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, फॉर्मूला हम लिखेंगे लॉस इन एनर्जी इक्वल हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होगा ये वाला, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास 1/2 एम वी वन माइनस एम वी टू, तो स्क्वेयर इनके साथ आ जाएंगे, पहले हम ये हमारे पास के वन है और ये हमारे पास के टू है, यानी काइनेटिक एनर्जी वन और काइनेटिक एनर्जी टू, काइनेटिक एनर्जी वन निकालेंगे 1/2 एम वी वन स्क्वायर इक्वल 1/2 एम, वैसे आ जाएगा वी वन, अभी हमने स्टूडेंट निकाली 8.8 मीटर पर सेकंड, और 8.8 मीटर पर सेकंड इसका स्क्वायर लेंगे हमारे पास जाएगा 77.44 मीटर पर सेकंड, टू पर डिवाइड करेंगे 38.72 मीटर जॉल जो है इसका वो रह जाता है, हमारे पास जो है एनर्जी आ जाती है जो कि इनिशियल एनर्जी थी विदाउट फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन आ गई के टू एनर्जी हमारे पास, सेकेंड एनर्जी आ गई 1/2 एम वी टू स्क्वायर, तो यहाँ पे वी टू हमारे पास 6 है, 1/2 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 2 पर डिवाइड करेंगे 18 मीटर जॉल आ जाएगी, ये हमारे पास है सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, तो स्टूडेंट लॉस इन एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, जो विदाउट फ्रिक्शन थी 38.72 मीटर जॉल, और ये हमारे पास जो सेकेंड जो है जो फ्रिक्शन की वजह से है जो एनर्जी आई है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 18 मीटर जॉल है, इनमें से इनका डिफरेंस निकालेंगे 20.72, एज अ रिजल्ट हमारे पास एनर्जी आएगी। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, जब हमने परसेंटेज निकालनी है तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी यानी विदाउट फ्रिक्शन थी वो है 38.72, ये टोटल है, जबकि गेन हमारे पास जो आई है लॉस इन जो आई है हमारे पास एनर्जी वो है 20.72, तो 20.72 को 38.72 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज में एनर्जी आ जाएगी 53.5% जॉल, ये एम से एम जो है यहाँ पे अगर हम लिखे ना वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपने फिर भी एनर्जी को जॉल के अंदर लिखना है, 54% जॉल है जो आपकी बुक के अंदर जो है सिंपली लिखा होगा 54%, क्योंकि जॉल से जॉल भी कैंसिल होता है अगर आप जॉल ना भी लिखे, क्योंकि यहाँ पे एम जी आना है, ये एम जी से एम जी कैंसिल हो जाना है, इस वजह से 53.5% जो है एनर्जी जो है उसके अंदर लॉस आया है, यानी राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आती है 54% जो है ड्यू टू द फ्रिक्शन जो है उस चाइल्ड जो है उस बेबी की जो स्लाइडिंग जो मूवमेंट थी उसके अंदर जो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी ये यूटिलाइज हुई है इन डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वो हमारे पास जो है 54% है, जो कि इन फॉर्म ऑफ साउंड और हीट की फॉर्म में जो है लॉस हुई है वो है 54%। तीसरा जो है आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है।